डियर स्टूडेंट, मैं प्रदीप मिश्रा। मैंने पिछले वीडियो में साधारण ब्याज के बारे में चर्चा की आपसे। साधारण ब्याज की कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बात किया, उसमें कैसे कैसे फॉर्मूले बनते हैं। फॉर्मूले क्या है, वो केवल वही PRT अपॉन 100, वही बार बार क्वेश्चन लगते हैं, बहुत सामान्य प्रकार के सवाल होते हैं। मैंने उसमें एक दो चार शब्दों सवालों की बात किया, कुछ और नए प्रश्नों के साथ मैं इस एपिसोड को पूरा करूँगा, जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि कैसे कैसे और सवाल बन सकते हैं। तो वो भी सारे के सारे अभी बेसिक सवाल ही हैं, उन सारे बेसिक सवालों पर हम आपसे चर्चा कर लेंगे। उसके बाद स्पेशल क्वेश्चन, जब बेसिक सवाल पर हम बात कर लेंगे तो बेसिक सवाल आपके जितने स्टेट लेवल एग्जाम्स होते हैं, जैसे अभी आपका सिपाही एग्जाम होना है, अभी आपका जो है ये सुपर टेट का एग्जाम होना है, या फिर वो ALP वाला जो एग्जाम परीक्षा होने वाली है, उन सब में काम आएगा। तो इन सबको एक एक तरफ से आप पूरी चीज़ों को ध्यान से देखते चले, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, हम एक एक करके सारे सवालों पर बात कर दो। आइए हम कुछ प्रश्नों को लेते हैं, जो कुछ खास प्रकार के प्रश्न है, एक तरह से आपकी प्रैक्टिस को कंप्लीट करेंगे। इन सब एक एक करके हम सवालों पर चर्चा करेंगे। आपने इन्हें अगर आप प्रैक्टिस से सॉल्व करते होंगे तो ऐसे सवाल आपको मिले होंगे। कुछ मैंने कुछ स्पेशल क्वेश्चन भी लिए हैं, जो अभी आप देखेंगे उसको। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, 5,000 रुपये आपका 5% वार्षिक दर से 10 अप्रैल से 22 जून तक का साधारण ब्याज बताना है। 10 अप्रैल से 22 जून तक का साधारण ब्याज बताना है। सबसे पहले हमको यहाँ दिन काउंट करना चाहिए। दिन काउंट करते समय एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जिस दिन पैसा जमा किया जाता है उस दिन तक का ब्याज नहीं मिलता, परंतु जिस दिन पैसा निकाला जाता है उस दिन का ब्याज मिलता है। तो पहले चलिए दिन काउंट कर लेते हैं। 10 अप्रैल से हो रहा है तो 10 अप्रैल तक हमें लेना नहीं है। अब 10 के बाद कितने अप्रैल में कितने दिन बच रहे हैं, कुछ 20 दिन और बच रहे हैं। तो चलिए लिखते हैं, अप्रैल में हमारे पास 20 दिन बचते हैं। इसके बाद आता है मई, मई के अंदर हमारे पास 31 दिन मिल जाता है। और इसके बाद आता है जून, जून में हमें 22 जून तक का हिसाब लेना है। जरा देखा जाए तो कितने दिन हो गए, 73 दिन हो गए। कुल मिलाकर के हमारा पैसा 73 दिन के लिए बैंक में जमा हुआ था। अब बस 73 दिन है तो उसको हम वर्ष बना ले जाएंगे आराम से। और साधारण ब्याज ज्ञात करना है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, मूलधन 5,000, दर 5%, समय है 73/365, और चूंकि बटा 100 तो रहना ही चाहिए। बस खत्म हो गया आपका सवाल। 00 कैंसिल करेंगे, 73 से ये 5 बार निकट जाएगा, ये 5-5 खत्म हो जाएंगे और 50 रुपये आपका ब्याज बन जाता है। ये पहला सवाल है आपके लिए। तो देखिए कुल मिलाकर दिन आप काउंट कर लेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली। अब सेकंड क्वेश्चन पर बात करते हैं, किसी धन का 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्रण 62,000 रुपया है। यानी हमको मिश्रण दिया गया है, दर दिया गया है और समय दिया गया है। आप अगर मेरा पिछला वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने एक फार्मूला क्रिएट किया हुआ है, वो ये है कि अगर बताना है और आपको मिश्रण मालूम है, ए पता है, तो क्या फार्मूला बनता है, A+100 + RT। तो चलिए इसमें वैल्यू रख लिया जाए, ए की जगह पे हमारे पास 62,000 रुपया है, 62,000 रुपया गुणा 100 / RT चलो कर लिया जाए, R कितना है 8% और T कितना है 3 वर्ष, यानी 8 × 3 करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो 100 में आप 24 जोड़ेंगे 124 हो जाएगा। अब इसको अगर हम काटते हैं, 4 से कट रहा है तो 4 × 3 = 12, 4 × 1 = 4 और 4 काटेंगे तो 25 हो जाएगा। अब इस 31 की वैल्यू कट रही है, देखिए 31 से कट रही है, 31 × 62 और इस प्रकार के आपका उत्तर आ गया 200, यानी 25 × 50 और फिर 00 और, यानी आपके पास कुल 5,000 रुपए थे। तो 5,000 रुपए थे जो कि 8% दर थे, 3 वर्ष में कुल 62,000 रुपए हो गए। अच्छा सोचिए, अगर यहाँ पर ये फार्मूला आपको नहीं मालूम होता तो आप क्या करते, बहुत आराम से करते, कहीं कोई समस्या नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि मैथ तो इजी भी होगा। देखिए मैं दिखाता हूं, अगर मान लीजिए फार्मूला आपको नहीं याद होता तो आप क्या करते, आप पहले निकाल लेते कि मान लिया माना मूलधन ₹P, तो चलो इस पर पहले ब्याज निकाल लेते। तो ₹P पर 8% दर से 3 साल का ब्याज निकाल लेते, कितना आ जाता, 4% छोटा कर दीजिए तो 4×8 हो जाएगा 25, यानी कि हो जाता 6P/25। ये हमारा ब्याज आ जाता, ये मूलधन है, ये ब्याज है। अब मूलधन और ब्याज हम जोड़ेंगे तो मिश्रण मेरा बन जाएगा, यानी हम कह सकते हैं P + 6P/25 और बराबर हमारा है 6,200। तो 25P + 6P कितना हो गया भैया, 31P। अब सोचिए आप 21P/25 = 6,200, आप देख रहे हैं कि
इस 31 से हमारा 2200 कट रहा है, यही काट दीजिए, और जिस समय हमारा ये पैसा वहां पहुंचेगा 25 × 50 तो P बराबर कितना आ जाएगा 5000। यानी कहीं समस्या नहीं है, आपको फॉर्मूला याद हो या ना याद हो, मैथ में कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं है। आइए हम अगले प्रश्न पर चर्चा करें। ए ने 84,000 रुपया दो बैंकों से क्रमशः 12% तथा 8% पर लिया। यदि उसका वार्षिक ब्याज 9240 रुपया है तो 12% दर पर कितना धन लिया था? मैं बताऊं, अगर आप इस पर समीकरण बनाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा, मैं बना के दिखा देता हूं, मैं हल नहीं करूंगा, मैं आपको समीकरण बना के दे रहा हूं। देखिए, उसका धन 12% पर है और 8% पर है। मान लीजिए उसने पूछा था कि 12% पर कितना धन लिया, तो 12% पर अगर आप मान ले तो यक्ष धन लिया होगा, तो फिर 8% पर कितना लिया होगा, 84,000 माइनस 1 रुपया लिया होगा। अब 8 जो यक्ष रुपया लिया होगा, इस पर 12% की दर से 1 साल का इतना ब्याज मिल जाएगा, और जो 84,000 लिया होगा इस पर 8% दर से 1 साल का इतना ब्याज मिल जाएगा, और जब दोनों जोड़ेंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा 9240। लेकिन एक लेंथी प्रक्रिया है, इसको हल करना आसान काम नहीं है। अब आसान तो है ये, लेकिन बिजनेस के लिए आसान नहीं है, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। अगर आप इसको मेथड ऑफ एलिगेशन लगाते हैं, एलिगेशन जैसे आपने याद होगा ऐसे कर लेंगे तो बहुत जल्दी से हो जाएगा। देखिए कैसे हो जाएगा, हम क्या करते हैं, औसत दर निकाल लेते हैं, एवरेज रेट क्या होगा। देखिए दर बराबर क्या होता है, वही साधारण फार्मूला, ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणा समय। आप निकालिए दर, तो ब्याज कितना है 9240 गुणा समय 1 साल, और बटे पूरा मूलधन लिख दीजिए 84,000। चलिए काटते हैं, तो अगर हम इसको काटते हैं तो ब्याज गुणे 100 होता है। हाँ चलिए वैल्यू देखा जाए, 0000 0000 कट गया, इसको छोटा काटते हैं तो 21 × 84। देखिए अगर हम 21 से काटते हैं 21 × 84, और यहाँ भी हो जाएगा 21 × 84, और क्या बचेगा 84 और 6 × 2 = 84, फिर 21 × 84 और 4 काट देंगे तो हो जाएगा 11। यानी आपका औसत दर आ गया 11%। अब करना क्या होगा आपको कि 12% लिखिए और फिर 8% लिखिए और यहाँ लिख दिए 11%। अब इसका डिफरेंस आपको यहाँ लिखना है 1, और इसका डिफरेंस आपको यहाँ लिखना है 3, और इस प्रकार से आपको ये पता चल गया कि आपका जो 84,000 रुपया है वो 3:1 में बटेगा। कितना सिंपल है बताइए, 84,000 रुपए को क्या आप 3:1 में बांट पाएंगे? जी बिल्कुल बांट पाएंगे। अगर आपको बताना हो कि 12% कितनी धनराशि लिया था, तो केवल एक लाइन का काम आप कर सकते हैं कि 84,000 मूलधन गुणा ये क्या है अनुपात 3 और बटे अनुपाती योग, अनुपाती योग कितना है 4 से आप इसको काट दीजिए, आपका आ गया 21,63,000 रुपया था। यानी 12% पर उसने 63,000 रुपया लिया था। ये तरीका आपके लिए काफी आसान होगा, और आप ऐसे सवालों में निश्चित रूप से इस तरीके को फॉलो करेंगे तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। हम अगले सवाल पर चले। अगर आपको लग रहा कि मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, तो मेरी मजबूरी यह है कि मैं ज्यादा से ज्यादा सवाल आपको देना चाहता हूँ एक कम से कम वीडियो वाले समय में। हम जानते हैं कि अक्सर लोग वीडियो देखते हैं तो थोड़ा सा देखे और थोड़ा सा छोड़ दिए, आपको अंत तक देखना चाहिए। आखिरी तक में ऐसे ऐसे सवाल मिलेंगे कि आप सोचेंगे कि यार ऐसे सवाल कहीं छूट न जाए, तो निश्चित रूप से आपको अंत तक वीडियो देखना चाहिए, और अंत तक देखेंगे तो आपको कुछ स्पेशल सवाल मिलने वाले हैं। देखिए तीसरा सवाल आपके सामने है, कोई धन किसी दर पर 3 वर्ष के लिए दिया गया, यदि दर 5% अधिक होती तो 135 रुपया अधिक मिल जाता था। अच्छा सोचिए इसको, फिर हम कहेंगे कि एक समीकरण बनाएंगे, समीकरण से बनाएंगे तो समीकरण से भारी पड़ता है क्वेश्चन। हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे जिसमें समीकरण ना बनाना पड़े। फिलहाल पहले तो मैं बता ही दूं कि समीकरण कैसे बनेगा। मान लीजिए 3 रुपया रखा होगा और 8% दर पर रखा गया होगा, 3 साल में कितना ब्याज मिला होगा। फिंगर करना है कि अगर यही 3 रुपया था और दर जो है 8+5 लिया गया होता तो 3 वर्ष में इतना ब्याज मिलता, इतना ब्याज मिलता कि मतलब पहले वाले ब्याज से 135 रुपया ज्यादा मिलता, तो इसका मतलब इसको हम अगर घटा दें तो यहाँ 135 आना चाहिए। अब आप चाहे तो कुछ इसे छोटा कर सकते हैं, जैसे इस 3 से हम चाहे तो इसे छोटा कर सकते हैं, कट जाएगा 5×8 = 9, 3 से काट दीजिए ये हो जाएगा 45, और इस प्रकार से आपका उत्तर बना PR और प्लस 5P माइनस PR बराबर ये 100 उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा 4500,
आप देख पा रहे हैं यहाँ पी आर, पी आर कट गया, 5P बराबर 4500, तो P बराबर कितना आ गया 900 रुपए। परंतु मैं कहूंगा कि आप इसे भी ना करें और आसानी से कर सकते, मैं तो कहूंगा ये मौखिक हो सकता है क्वेश्चन। कैसे मौखिक हो सकता है देखिए, 3 वर्ष में अगर 135 रुपए ज्यादा मिला है, तीन वर्ष में 135 रुपए ज्यादा मिला है, तो एक वर्ष में क्या मिलेगा 45 रुपए ज्यादा मिलेगा। 135 बढ़ा दी तो 45 रुपए ज्यादा क्यों मिलेगा, क्योंकि दर हमने 5% बढ़ा दिया, यानी किसी धन का 5% 45 रुपया होगा। आइए देखिए कितने आसानी से आप निकाल सकते हैं, मान लो धन एक्स रहा होगा तो इसका 5% कितना है 45 है, तो बताइए पी बराबर क्या हुआ 45, अरे यही काट दीजिए 5 × 45 आपका उत्तर आ गया 900 रुपया। देखिए कितने आसानी से आप इसको सोच पाए। फिर से सुनिए मैंने क्या किया, 3 वर्ष में 135 रुपया अधिक मिला है, तो एक वर्ष में क्या अधिक मिलेगा 45 रुपया ज्यादा मिलेगा। क्यों 45 रुपया ज्यादा मिलेगा, क्योंकि दर 5% बढ़ा दिया गया। इसका मतलब हुआ किसी धन का 5% 45 रुपया होता हुआ, वो कौन सा धन है 900 रुपया। अगर आप ऐसे सोच पाए तो जल्दी सवाल कर पाएंगे। आइए देखते हैं और कोई क्वेश्चन कैसे हम हल करेंगे। एक क्वेश्चन है कि ए ने बी को 5000 रुपया 2 वर्ष के लिए दिया और सी को 3000 रुपया 4 वर्ष के लिए दिया और समान दर पर उधार दिया, दोनों के लिए रेट समान था, अगर कुल ब्याज 2200 रुपया मिला तो दर कितना मिला होगा। छोटा सा समीकरण, एक समीकरण बना लीजिए, बात खत्म हो गया। ए को कितना दिया गया 5000 रुपया, 5000 रुपया मान लो 8% दर से 2 साल के लिए दिया गया, और फिर 3000 रुपया बी को दिया गया है 8% दर पर 4 साल के लिए दिया गया, और कुल ब्याज कितना मिला है 2200 रुपया मिला है, तो बताइए दर कितना होगा। बहुत आराम से आप इन दोनों को 0-0 कैंसिल कर सकते हैं, 50 × 100 आठ हो गया, और ये कितना हुआ 30 × 4 = 120 आठ और बराबर 2200। आप सोचिए 120 और 100 कितना हो गया 220, 220 आठ बराबर हो गया 2200 रुपया, आठ बराबर क्या हो गया सिंपल 10%। ये रहा आपका छोटा सा सवाल, बताइए कोई समस्या है। 5000 रुपया को 8% दर पर ए को दिया था, ए ने बी को दिया था 2 वर्ष के लिए, और 3000 रुपया दिया था 4 वर्ष के लिए सी को दिया था, कुल मिला के ब्याज ने 2200 रुपया प्राप्त किया था, दर कितने आराम से आपके सामने आया 10%। अगले सवाल पर बात करें, कितने समय में किसी धन में 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी। 40% की वृद्धि का मतलब क्या होता है, अगर मूलधन 100 रुपया रहा होगा तो ब्याज कितना बन गया होगा 40 रुपया बन गया होगा। तो हम मूलधन देखिए, ध्यान दीजिएगा, दर हमसे पूछा गया, समय पूछा गया, समय हुआ, दर हुआ, मात्रा का कोई लेना देना नहीं है, पर बहुत आराम से आप इस सवाल को कर सकते हैं, 100 रुपया मानकर कर सकते हैं। 5% वार्षिक दर दे रखा है, मान लेता हूं 100 रुपया मेरे पास था, दर हमें 5% दिया हुआ, समय हमको नहीं पता बेटा 100, और हमें ब्याज कितना मिल गया है 40% की वृद्धि हो गई है, यानी 40 रुपया मिला है ब्याज। जरा सोचिए आपका ये 100 समाप्त हुआ, 5t = 40 है, तो टी बराबर क्या हो गया 8 वर्ष। बहुत आसानी से आप समय निकाल सकते। फिर एक बार देखिएगा, कितने समय में 5% दर पे किसी धन में 40% की वृद्धि हो जाएगी। मैंने मान लिया मूलधन 100 रुपया रहा होगा, 5% दर, क्योंकि 100 रुपया आप मानोगे तभी तो 40 रुपया बढ़ेगा, 40% वृद्धि कह रहा है। चलिए अगले सवाल पर बात करें, 48000 रुपए के कर्ज को 10% वार्षिक दर से 5 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना है, प्रत्येक किस्त का मान बताइए। देखिए जो बच्चे हमारे साथ क्लास में रहे हैं उनके लिए मैंने चर्चा किया है, आप भी समझ लीजिए, साधारण ब्याज का जो कर्जा होता है बड़ा आसान होता है। जैसे पहले किस्त को आप क्या करोगे 100x/100, कभी भी कोई भी कर्जा चुकाना हो पहली किस्त आपका 100x/100, दूसरी किस्त दर से समझना होगा, दर कितना है 10% दर, तो इसका मतलब पहला किस्त जो बनेगा 110/100 बनेगा, 110/100, अगली किस्त 120x/100, अगली किस्त 130x/100, अगली किस्त 140x/100, आपके पास 5 किस्त हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, और पूरा कर्जा कितना था 48000 रुपया था। ध्यान रखिएगा अगर यही दर 15% मान लो रही होती तो क्या होता, 115x/100, 130x/100, 145x/100, 160x/100, अगर यही दर 20% रहा होता तो पहले तो 100x/100 ही रहेगा,
उसके बाद में दूसरा किस्त होता है 120x/100, 140x/100, 160x/100 और इस प्रकार आप बहुत आराम से सवाल को कर सकते हैं। आप इसे जोड़ेंगे 40, 30, 70, 20, 90, 100 यानी 600x/100 बराबर हो गया 48,000 रुपया। बहुत आराम से आप इन 6 को काट सकते हैं और 6 से इसको काट दे 6, 8, 48 x बराबर आपका उत्तर आ गया 8,000। किस्तों में भुगतान का सवाल है, इतना छोटा सवाल हो सकता है अगर आप थोड़ा सा केयर करें तो। अगला प्रश्न हमने लिया है कि 1,50,000 रुपया को उसने 1,50,000 रुपया को अपने पुत्र तथा पुत्री में जो क्रमशः 12 वर्ष तथा 14 वर्ष के आयु के हैं इस प्रकार बांटना चाहता है कि प्रत्येक को 18 वर्ष का होने पर समान धन मिले। समान धन मिले इसका मतलब होता है मिश्रधन बराबर होना चाहिए। मिश्रधन बराबर होने के लिए क्या करेगा, देखिए ऐसी गलती ना करें कि एक धन को आप एक्स मान लेंगे और एक को 1,50,000 माइनस एक्स मान लेंगे, बहुत बड़ा सवाल बन जाएगा। आपको क्या करना चाहिए, मान लो पहला धन ए रुपया है, दूसरा धन बी रुपया है, मान लो तो पहला धन अगर आप देखो एक बच्चा 12 वर्ष का है, एक बच्चा 14 वर्ष का है, तो 18 वर्ष होने के लिए इसको 6 साल चाहिए, इसको 18 साल होने के लिए 4 साल चाहिए, यानी इनका धन 6 साल के लिए बैंक में रहेगा, इनका धन 4 साल के लिए बैंक में रहेगा। तो मान लेता हूँ इनको ए रुपया मिला है, इनको बी रुपया मिला है। अगर इनको ए रुपया मिला है तो ए रुपया पर कौन सा दर लगा है, 10%, 10% की दर से 6 साल में इतना ब्याज मिलेगा। और इनको बी रुपया मिला है तो बी रुपये पर 10% की दर से 4 साल का ब्याज मिलेगा और ये दोनों मिश्रधन बराबर होंगे। अगर दोनों मिश्रधन बराबर है तो कितना सिंपल हुआ, ये देखो 10x 100x और प्लस 60x 160x/100। ये देखिए 100x और प्लस 40x 140x/100। आप जब ये समझेंगे कि दोनों बराबर चीजें हैं तो जो चीजें बराबर होंगी वो कट जाएंगी, देखिए कट गई। अब बताइए सॉरी ए भी ए है यहाँ पर और यहाँ पर बी है। अब आप अगर ए बटा बी करेंगे तो क्या बन जाएगा, 14/16 यानी और छोटा कर सकते हैं 7/8। अब बताइए ए और बी में वह धन 7:8 में बांटना है, 7, 8, 15 और 15 से 1.5 लाख कितने आराम से कट जा रहा है, आप काट पाएंगे, बहुत आराम से काट पाएंगे। मिश्रधन के सवाल को बराबर करना था, एक बड़ा सवाल माना जाता है, लेकिन कितने आराम से आप इसको ए और बी मानकर लगा सकते हैं। तो कोशिश करिएगा इस तरीके को फॉलो करें, इससे सवाल बहुत जल्दी हो जाता है। आप बड़े से क्वेश्चन में जाएंगे तो फंस जाएंगे, निश्चित रूप से बहुत टाइम लग जाएगा, इतना समय आपके पास नहीं होता है। तो क्या आप पैसे को बांट ले जाएंगे 7:8 में, निश्चित रूप से बांट ले जाएंगे। हम अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। अगला सवाल है, एक व्यक्ति 9,000 रुपया इस शर्त पर लेता है कि वो 1,000 रुपए की 10 मासिक किस्तों में चुका देगा। दर पूछा गया, निश्चित रूप से स्पेशल क्वेश्चन है। स्पेशल क्वेश्चन इसलिए है कि आमतौर पर हम लोग वार्षिक किस्त चुकाते हैं, लेकिन इसने मासिक किस्त चुका दिया है तो आपको कुछ स्पेशल काम करना पड़ेगा। समझिए हम क्या कर रहे हैं, सोचिए 9,000 रुपया कर्जा रहा होगा तो जो पहली किस्त देगा उस किस्त पर कितने रुपए का ब्याज देगा, 9,000 रुपए का एक महीने का ब्याज देगा। लेकिन जब वो 1,000 चुका देगा तो अगले महीने कितना रुपए का ब्याज देगा, 8,000 रुपए का एक महीने का ब्याज देगा। उसके बाद फिर 1,000 जब चुका देगा तो फिर क्या देगा, 7,000 रुपए पर एक महीने का ब्याज देगा। आइए देखते हैं, उसने पहला जो ब्याज देगा उस पर कितना ब्याज देगा, 9,000 रुपए पर एक माह का ब्याज देगा प्लस एक माह का ब्याज लिख देता हूं ब्याज प्लस 8,000 रुपए पर एक माह का ब्याज, एक माह का ब्याज प्लस ऐसे होता जाएगा और लास्ट में बचेगा 1,000 रुपए पर एक माह का ब्याज, एक माह का ब्याज और बराबर कुल ब्याज कितना दिया उसने, 1,000 रुपए। कैसे दिया, 9,000 रुपए कर्जा था और 1,000 रुपए उसने 10 किस्तों में दिया है तो 10,000 रुपए उसने चुकाया, यानी ब्याज के रूप में उसने दिया 1,000 रुपया। तो ऐसे करके अगर आप इस बात को सोचेंगे तो एक माह का ब्याज अगर हम कॉमन लेते हैं तो ऐसे कर सकते हैं 9,000 प्लस 8,000 प्लस .. प्लस 1,000 रुपए का एक माह का ब्याज, एक माह का ब्याज कितना हो जाएगा, 1,000 रुपया। चलो इसे हल करते हैं, आप 9,000 से लेकर 1,000 तक की वैल्यू जोड़ेंगे तो कितना जाएगा भैया, 1 से 9 तक की गिनती कितनी होती है, 45,000 रुपए का, यानी 45,000 रुपए का एक माह का ब्याज 1,000 रुपया है। तो दर बताइए, मैं निकाल रहा हूं 45,000 रुपया है मूलधन
गुणा दर कितना है 5%। जी हाँ, दर ही तो ज्ञात करना है, दर 8% और गुणा समय कितना आया 1 माह का, और पूरा ब्याज निकालते हैं और कितना ब्याज है 1000 रुपया। जरा ध्यान से इस लाइन को देख लीजिएगा, 45000 रुपया पर 8% दर से 1 माह का ब्याज, 1 माह का ब्याज कितना आया 1000 रुपया। तो आज की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप ये दो जीरो यही काट सकते हैं, आज की वैल्यू आ जाएगी 1000 × 12 / 450। आप इसे और छोटा कर सकते हैं, 3 से काटिए 3 × 12 यहाँ 15 आ जाएगा, फिर 5 से काटिए 5 × 15 और 5 × 2 = 10 यानी हो जाएगा 80/3। 80/3 को आप काटोगे तो कितना हो जाएगा 3 × 2 = 6 20, 3 × 6 = 18, 2 / 3 = 2। आपका उत्तर आ जाएगा 26 / 2/3% वार्षिक। देख लीजिए ध्यान से, 26 / 2/3% वार्षिक आ जाएगा। हमने कुछ अलग अलग किस्मों को लिया, सवालों को लिया, आपको चाहिए कि सभी तरीकों पर आप अभ्यास करें। हम अगला वीडियो जरूर लेकर जल्दी से जल्दी आएंगे आपके पास, तब तक के लिए आप इन सवालों पर अभ्यास करें और ऐसे ढूंढे सवाल ढूंढ करके तो सवाल करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें, अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत धन्यवाद।